हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, और ये साल सबको मौत डाल देना है। सब जन ऐसा लिखो चैट में #2020 अपना है, मतलब छिंदिया मारना ही मारना है 2020 में। पहली बात तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट वीडियो है साल की 2020 की, और ये जायरोस्कोप के ऊपर बनाया मैं। एंड तक ज़रूर देखो वीडियो, बहुत हेल्पफुल है। सो गाइस, गायरोस्कोप सीखना है बोले तो तीन सिंपल चीज करना अपन। अगर ये मेरे को पहले मालूम रहता था तो मेरे को एक महीना नहीं लगता था जायरो सीखने के लिए, लाइक 4 हफ्ते लग गए मेरे को मिनिमम। और आप लोगों को मैं सिंपल वे में सिखाना चाह रहा हूँ, देखो वीडियो एंड तक। सबसे पहले तो तीन वेज में आपको समझा दूँ जायरोस्कोप क्या है। पहले ये तो ये सुन लो आप लोग, अपन थंब से रिकॉइल कंट्रोल करते, जायरोस्कोप से अपन फ़ोन से रिकॉइल कंट्रोल करते। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन जायरो एंड नॉन जायरो प्लेयर। तो जायरो बहुत बेनिफिट्स है, मैं बात बताता हूँ आप लोगों को। देखो पहले तो तीन चीज़ क्या है बोले तो जायरोस्कोप सिंपल तीन वे में एक्सप्लेन कर दूँ। स्कोप खोले, ऊपर नीचे फोन करे, रिकॉइल कंट्रोल हुआ। जब आप स्प्रे कर रहे हैं आपको नीचे करना है तो रिकॉइल कंट्रोल होता, आपको ट्रांसफर करना है तो लेफ्ट राइट करो फोन को तो स्प्रे ट्रांसफर होता। फॉर एन एग्जांपल, अब देखो ये स्प्रे दे रहा हूँ मैं इसको, मैं फोन को थोड़ा नीचे करा ताकि मेरा रिकॉइल कंट्रोल हो। अब वही मेरे को राइट करना है, इस साइड लेके जाना है तो राइट करो, और इस साइड लेके जाना है तो लेफ्ट करो। सिंपल है भाई, ये तो बेसिक है, किसको भी मालूम रहता। बात रही अब मेन जायरोस्कोप में, ये करना बहुत आसान है। लाइक आप स्ट्रेट रिकॉइल कंट्रोल करना, आप ऐसा बैठे हुए सामने एनिमी स्टेबल है तो आप इजी मार सकते हैं। एनिमी मूविंग है, आपको थोड़ा लेफ्ट लाइक लेफ्ट भी करना है, राइट भी करना है, और स्प्रे भी करना है, साथ में ये भी कंट्रोल करना है। दैट्स द डिफिकल्ट पॉइंट। तो उसके लिए सबसे ईजी मेथड क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे मेन बात गाइस, सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट है फ़ोन स्टेबल रखना जायरोस्कोप में। कई को बोले तो अब मैं फ़ोन स्टेबल नहीं रखा तो मेरा एम शेक हो रहा, ये शेकीनेस नहीं आना। फ़ोन स्टेबल रहना आपका, एकदम एग्जैक्ट स्टेबल रहना, एम ऑन पॉइंट रहना। स्टेबल रहना बोले तो ऐसी पोजीशन सेलेक्ट करो जहाँ से आप बैठ के आपका क्लॉ आपको लाइक जो भी आप खेलते 3 फिंगर 4 फिंगर आपकी ग्रिप सही रहना फ़ोन पे। लाइक पिल्लो लगा के खेलो, लाइक बैठ के खेलो, स्ट्रेट बैठ के खेलो, लेट के तो जायरो नहीं खेल सकते। तो वही पोजीशन अपनी सेलेक्ट कर लो, लाइक कैसा आप बैठते, पिलो को लगाना है नहीं लगाना है। फ़ोन हमेशा स्टेबल रखना, जायरोस्कोप का सबसे मेन रूल है। फोन अगर आप हिलाए थोड़ा तो एम हिल रहा आपको वो मालूम ही है। तो एम हिला तो ऑफकोर्स आपका स्प्रे चोक हुआ। फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसा हिलाया, फ़ोन हिलाया तो मेरा देखो बुलेट्स कितना वो हो रहा, और मैं वही स्टेबल बैठ के मारा, ऐसा डिफरेंस मालूम हो जाता आपको। तो शेकीनेस नहीं आना कभी भी, मेन सबसे पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर बन जाते। दूसरी बात गाइस, जायरोस्कोप का आपको एडवांटेज बताता हूँ। पहले मैं नॉन जायरो का भी एक वीडियो डाल रहा था जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो नॉन जायरो प्लेयर्स है। तो अब आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भाई तू ये बता के जायरो पे कहीं को शिफ्ट हुआ। मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, मेरे को लैन पे परफॉर्म करना कंपलसरी है। तो लाइक मैं पिछला लैन जो खेला था PMCO, उसमें जो एंड्रॉयड में मैं नॉन जायरो खेला था, मेरे को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा मेरे स्किल्स को। लाइक मैं ट्रैक कर रहा था, वो एंड्रॉयड टच सपोर्ट नहीं कर रहा था 5 फिंगर का, और मतलब ड्रैग कर रहा था बराबर से, एम कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो तब का तब तो मैं जायरो शिफ्ट करके लैन पे खेल नहीं सकता। तो मेरे को मालूम पड़ गया था कि लैन पे कंपलसरी है जायरो, क्योंकि तो आपको एंड्रॉयड डिवाइस मिलता और iOS डिवाइस का जो रिकॉइल कंट्रोल उसका डिफरेंस है, थंब का जो रहता ना ड्रैग करते अपन, थोड़ा डिफरेंस रहता। उसमें चोक कर रहा था मैं, और फिर लैन की नर्वसनेस, थोड़ा पसीना वसीना भी आता, थोड़ा नर्वस हो जाते ना, तो थंब से वो कंट्रोल करने में, एम आपका अच्छा भी हो थंब से तो भी हिल जाता एम। तो जायरोस्कोप मेरा खेलने का वही रीज़न था कि अगर टच सपोर्ट ना करे तो मैं फ़ोन से एम कंट्रोल कर सकूं। ये बेसिक आपको बताया मैं, क्वेश्चन आप सब के आएंगे बोल के मेरे को मालूम था, तो इसके लिए आपको पहले ही बोल दिया मैं। अब बात आती मेन चीज़ एडवांटेज ऑफ जायरो, स्प्रेस। सबसे पहली बात तो स्प्रे एडवांटेज ऑफ जायरो, सबसे पहली बात दिमाग में यही चाहता, अरे भाई जायरो का स्प्रे, अब आ वाह इसका स्प्रे बोले तो इन्होंने जायरो यूज़ करता, यही चाहता लोगों के दिमाग में। कैसा करना मैं बताता हूँ आप लोग। सो गाइस, जायरोस्कोप सीख रहे हैं ना, सबसे पहले क्या करो, ये 15 डे प्रैक्टिस करना। देखो फर्स्ट चीज़ बता रहा हूँ, जो भी ड्रिल ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक है। स्कारेल लो, स्कारेल का 6x रिकॉइल करना सबसे डिफिकल्ट है ना, तो जायरोस्कोप में स्कारेल लो 6x विदाउट अटैचमेंट्स, स्प्रे दो, अटैचमेंट निकाल लेते हैं एक सेकेंड, स्प्रे दो और 15 डेज प्रैक्टिस करना स्प्रे। भले कितना घटिया स्प्रे रहना, मेरा भी अभी भी घटिया रहता। 15 दिन प्रैक्टिस करो, 16th डे विद अटैचमेंट स्प्रे मारो, डिफरेंस देखो आपका रिकॉइल कैसा रहता, लेजर ऐसा चिपक जाता सामने वाले को। देखो आप लोग पहले तो प्रैक्टिस करो, निकालो गन को, विदाउट अटैचमेंट्स स्प्रे देते रहो देते रहो देते रहो, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता भाई ये पिछले वाले स्प्रे से बेटर नहीं था। प्रैक्टिस करते रहो करते रहो, डिफरेंट एंगल्स लो,
रेंज सेलेक्ट करो, ये 300 मीटर था, रेंज को चेंज करो गाइस, लाइक वो 300 मीटर था तो ये अब थोड़ा पास में लेके आके स्प्रे देना स्टार्ट करो, अलग अलग एंगल सेलेक्ट करो, ये विदाउट अटैचमेंट्स ऐसा स्प्रे जा रहा। तो आप सोचो 15 डेज बाद अगर आप ये प्रैक्टिस करते गए फिर विद अटैचमेंट्स कैसा स्प्रे जाता आपका। भाई स्कारल इसके लिए सिलेक्ट करता हूँ मैं, क्यों तो इसका रिकॉइल कंट्रोल करना 6x पे विदाउट अटैचमेंट्स बहुत डिफिकल्ट है, ट्राई करो ना। अब वही मैं आपको M4 में बता दूँ, देखो विदाउट अटैचमेंट्स ईजी है थोड़ा काइंड ऑफ, अब वही थोड़ा 10 सेकंड पीछे लेके स्कारल वाला स्प्रे देखो कितना डिफिकल्ट था, वही डिफिकल्ट लेवल आप बढ़ाओ ना, स्कारल से स्प्रे दो 6x का, फिर 15 डेज बाद याद रखना है 15 डेज बाद उसको अटैचमेंट्स के साथ स्कारल M4 का स्प्रे मार के देखना। अलग अलग एंगल सेलेक्ट कर लो भाई रेंज वाइज, कभी 300 मीटर का टारगेट सेलेक्ट करो, कभी 150 मीटर का, 100 मीटर का, स्प्रेस के लिए हर स्कोप के साथ करना, 4x 3x हर स्कोप के साथ। अब रेड डॉट कैसा प्रैक्टिस करना मैं आप लोगों को बता दूँ। सो गाइस जैसा कि मैं PEC देगा XQF 4M XQF जो जीती पीसकीपर एलीट चैंपियनशिप जिसमें अपनी इंडियन टीम्स भी गई थी, तो XQF और 4M का अगर आप लोग गेम प्ले देखे तो उन लोगों के रेड डॉट स्प्रेज आपको बहुत पसंद आए होंगे, इन लोग 150-200 मीटर दूर रेड डॉट स्टेबल स्प्रेज मारते, क्यों मारते जायरोस्कोप की वजह से, और कैसा मारते मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली बात अपने क्या होता बोले तो रेड डॉट स्प्रे जब अपन मारते जब शूट करते ना, आप पहले ये देखो ये समझो डिफरेंस बता दूँ, ये ADS 1111 ADS 1 ट्राई करो, ये कॉफिन से सीखा मैं और मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ ये। ADS 1 करने का एडवांटेज क्या, अगर ADS जो भी आप रखे उसका डिसएडवांटेज क्या वो बता दूँ। स्प्रे मार रहे जायरोस्कोप से, अगर आपका जो स्प्रे का बटन है जहाँ टच कर रहे हैं आप जरा सा भी स्क्रीन के इधर उधर लाए तो आपका एम हिल जाता। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, ADS मैं जो नॉर्मली रखता था मेरा 30 था ADS पहले, और उसको मैं 30 से 1 पे ला दिया था, क्यों बताता हूँ। 30 ADS रखा मैं, अब मैं शूट कर रहा हूँ, अगर मैं ये देखो ये जो नीचे हुआ ना मेरा कई को हुआ मालूम, शूट करते करते मेरी फिंगर गलती से स्क्रीन पे टच हो गई, अरे मतलब शूट बटन से नीचे हो गई स्क्रीन, तो एम हिल गया। ADS क्या है बोले तो, अब मैं शूट कर रहा हूँ ना थंब से राइट लेफ्ट कर रहा हूँ वो ADS है, अब उसको ही मैं 1 कर दूँ पूरा जायरो पे आता हूँ मैं 1 कर दूँ, अब मैं शूट कर रहा हूँ मैं थंब से राइट लेफ्ट कर रहा हूँ नहीं हो रहा वो, समझ रहे, ट्राई करके देखो। ADS आपका जो है करो शूट करो, आप थंब से इधर उधर करे तो होता, और वही ADS 1 कर दो आप थंब ड्रैग करे लेफ्ट राइट तो नहीं होता, क्यों है इसका रीज़न मैं बताता हूँ। लॉन्ग रेंज में जब स्प्रे देता हूँ मेरा टच कभी कभी शूट बटन से हिल जाता तो मेरा एम पूरा बिगड़ जाता उसमें, इसके लिए मैं 1 कर दिया सेंसिटिविटी ADS की, ताकि मेरा पूरा जायरो पे डिपेंड रहूँ मैं, लाइक स्टेबल बैठ के एकदम पूरा जायरो पे स्प्रे दूँ। देखो ये बता रहा था मैं, इसके पहले वाला अगर आप स्प्रे देखेंगे तो वो ADS की वजह से मेरा ADS ज़्यादा था, इसकी वजह से थोड़ा टच इधर उधर होके वो नीचे हो गया था स्प्रे, हिल जाता वो ADS की वजह से, आपको स्टेबल मारना है ऐसा। ये बहुत मेन है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को जायरो सीखना है ना ADS 1 करके सीखो गाइस, कोई भी स्कोप का ADS 1 कर दो, ताकि आपका आप टच कर रहे हैं ना तो डिफरेंस मालूम हो जाता आपको। ADS के साथ आप रख के अगर शूट कर रहे अगर आपका गलती से भी स्क्रीन पर टच हो गया एम हिल जाता पूरा, बेसिक इतना अच्छा क्लियर एक्सप्लेन करा, ये ट्राई करना, ये सुन के समझो ना कोई इसको, ये आप ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्राई करो, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत बहुत हेल्पफुल है ADS 1 करने के बाद। थर्ड पॉइंट पे आएंगे गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था ये करना बहुत आसान है, ये करना बहुत डिफिकल्ट है, जब ये दोनों मिला के करते हैं ना, लाइक आप स्प्रे भी मार रहे सामने एनिमी भी मूव भी हो रहा, तो ये दोनों आपको कंट्रोल करना है ना, लाइक ऊपर से लेफ्ट भी घुमाना है और रिकॉइल भी कंट्रोल करना है, ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसा करना मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले तो आप ये प्रैक्टिस करो लाइक लेफ्ट राइट के लिए, यहाँ पे आ जाओ आप वॉल पे आ जाओ, ये वॉल इतनी स्ट्रेट है, इसको प्रैक्टिस करो लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट और ये राइट, ये प्रैक्टिस करो। दूसरी बात स्कोप को पकड़ लो, अरे मतलब खोल लो, एसॉर्टिंग वाली जो ड्रिल्स बताया मैं वो सारी प्रैक्टिस करो, अभी इसमें जो जो टारगेट्स है उसको फ्लिक मारो टारगेट पे, इस तरीके से टारगेट्स पे फ्लिक मारो ताकि आपका लेफ्ट राइट थोड़ा फास्ट भी हो और स्टेबल भी हो। अभी बातों बातों में एक जना कमेंट भी कर दिया होगा, अरे भाई आपकी सेंसिटिविटी बताओ बोल के, ये देख लो भाई पहले बता देता हूँ सेंसिटिविटी आपको जायरोस्कोप की, मैं तो स्कोप ऑन हूँ तो मेरा एक फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन काम का नहीं है, 300 300 ऐसे रख दिया, रेड डॉट 300 है, 2x 300 है,
3x 250 है, 4x 130 फॉर टैप्स एंड 180 फॉर स्प्रे, 8x फॉर DMR 100, 6x फॉर DMR 110। ये मेरी जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी है और मेरी ADS की ये है, और फिर कैमरा बहुत लो है गाइस मेरी सेंसिटिविटी, क्योंकि 11 में एंड्रॉयड सेंसिटिविटी लगती है, 11 और 11 प्रो में। तो अब अगर आप XR वगैरह यूज़ करते हो तो इसकी इंटू टू सेंसिटिविटी यूज़ करो, नॉट जायरो, ADS वगैरह की बता रहा हूँ। जायरो तो सब फ़ोन में सेम ही चलता, तो यही देखो आप। लास्ट बात असोल्टिंग की, जो वीडियो मैं बनाया था उसमें मैं आपको लास्ट में अटैच कर देता हूँ ये वीडियो में, वो वीडियो देखो, उसमें जो जो ड्रिल्स बताया ना सेम जायरोस्कोप के साथ प्रैक्टिस करना, और ब्रिज वाला ये टारगेट्स पे ये खोलना, टारगेट पे एम ऑन पॉइंट, ट्रेसिंग वेसिंग सब बताया ना, सब जायरोस्कोप के साथ प्रैक्टिस करो। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया मैं आपको जायरोस्कोप का, ये वाला, और आपको ADS का सब समझाया मैं। ADS का गाइज सीरियसली प्रैक्टिस करना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सारे प्रैक्टिस करो, मैं जो ड्रिल्स आपको बताया ना वो वीडियो देखो, मैं लास्ट में अटैच करता हूँ वो वीडियो देखो, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्यों तो आप लोग वो वीडियो पहले से देखे से, वो सेम चीज़ अगर मैं इसमें बोलूँगा तो अरे आप लोग बोलेंगे अरे बोर हो गए बोल के, ऐसा नहीं, वीडियो वो देख लो असॉल्टिंग वाली, लास्ट में अटैच कर देता हूँ वो ड्रिल, सेम जायरोस्कोप में प्रैक्टिस करना। मेरे को लास्ट में आपका रिजल्ट जो रहता फर्स्ट डे का और 16th डे का, वो स्प्रे का जो मैं आपको बताया विदाउट अटैचमेंट स्कारल स्प्रे और विथ अटैचमेंट स्कारल स्प्रे, 16th डे पे मेरे को स्टोरी पे टैग करना इंस्टाग्राम पे और डालना, फर्स्ट डे का डालना, उसके बाद स्टोरी पे टैग करना, मेरे को DM मत करना, क्योंकि तो DM से यार इतने सारे चेक नहीं कर सकते, स्टोरी सारी चेक करता हूँ मैं जो जो मेरे को टैग करते। टैग करो फर्स्ट डे विथ स्कारल विदाउट अटैचमेंट्स, 16th डे विथ स्कारल विथ अटैचमेंट्स, तो ये याद से करना। वीडियो पसंद आई गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप लोगों को ये ड्रिल मालूम है, ये मेन ड्रिल है अपना। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, सबसे पहले तो सबकी फैमिलीज को, सबको हैप्पी न्यू ईयर, आपका साल ये ज़बरदस्त जाना, आप लोग फुल प्रैक्टिस करो, ग्राइंड करो, बाय बाय गाइस। Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul.